नमस्कार। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बेहद दर्दनाक खबर। नेपाल के द्वारा भयंकर पानी उत्तर प्रदेश के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा गया है तो 6 जिले पूरी तरह डूबने के कगार पर नजर आ रहे हैं। करीब 400 से 500 गांव यहां पर डूबते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार 6 नदियां अपने विकराल रूप को धारण करे हुए हैं। शारदा, क्वान, सरयू, घाघरा और राप्ती नदी ने कई जिलों में भयानक तबाही मचा दी है। सबसे ज़्यादा 6 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसमें लखीमपुर, श्रावस्ती, बाराबाकी, बहराइच, गोंडा और कुशीनगर है। इन्हीं जिलों के करीब 400 से 500 गांव पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। कई हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है और लोगों को इस समय जो शिविर हैं वहां पर जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते में भी अब पानी ही भर गया है। प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट है और इस समय शिविर लगाए हुए है और लोगों को पूरी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 6 जिलों में जो बाढ़ का कहर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब बंद कर दिया गया है और बहराइच में घाघरा खतरे के निशान पर है। श्रावस्ती, गोंडा और बाराबाकी के हाल बेहाल हुए पड़े हैं। सबसे ज़्यादा बदतर हालात बहराइच के हैं, क्योंकि यही ऐसा जिला है जो कि नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ करीब 100 गांवों में पानी घुस गया है। 3 तहसीलों के इस 100 गांव में करीब 50,000 के आसपास से आबादी रहती है, जो कि बुरी तरह प्रभावित है। ननपरा, केसरगंज और महसी तहसील में इस 100 गांवों में पानी घरों में घुस गया है। लोग छतों पर जीवन यापन कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ ने कितना भयानक विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं कुशीनगर की खड्डा तहसील के करीब वारे गांव हैं, जो कि बाढ़ में पूरी तरह डूबते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भी 10,000 लोग हैं जो कि शिविरों में इस समय शरण ले रहे हैं। इसके अलावा श्रावस्ती की बात करते हैं। श्रावस्ती में करीब 24 गांव बाढ़ में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जमुना क्षेत्र के भी 12 गांव हैं और इकोना क्षेत्र के भी 12 गांव हैं, जो कि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। आपको बता दें, घरों में पानी घुस गया है, लोग छतों पर बसेरा कर रहे हैं और यहां तक कि उनका रहने पीने का सामान बाढ़ में बहता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा चिंता ग्रामीणों को उनकी मवेशियों की है, साथ में उनकी फसल को है, जो कि पूरी तरह बाढ़ में डूब चुकी है। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। लखीमपुर में करीब 40 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और यहां पर भी 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। गोंडा में 18 गांव, कर्नलगंज और तरबगंज क्षेत्र तहसील के 18 गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। तो ये स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और अभी भी एक और खतरनाक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश में फिर से भयंकर बारिश का कहर जारी रहेगा। उसकी ताज़ा रिपोर्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे इस समय जो ये 6 जिले हैं बाढ़ से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह मदद करने में लगा हुआ है।